मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जो इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया था, तो उसमें हमने कंसंट्रेटेड NaCl का केसेस देख चुके थे कि आखिर कंसंट्रेटेड NaCl में क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि Cl- को प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू OH- के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो होता है डायल्यूट NaCl, ठीक है। डायल्यूट NaCl एक स्पेशल केस भी, और आपको इसमें एक पॉइंट आपको याद भी रखना डायल्यूट NaCl में, ठीक है। मैं डायग्राम वगैरह फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्या कंटेनर, ये हो जाएगा मेरा क्या इलेक्ट्रोड, ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनोड हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, क्योंकि डायल्यूट NaCl है तो Na+ हो जाएगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा, H2O तो मैंने आपको मना ही कर दिया था। तो कैथोड वाला कैथोड के पास जाएगा, एनोड वाला एनोड के पास जाएगा, कैथोड वाला कैथोड के पास जाएगा, कैटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा, ठीक है, A से A, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एनोड पे तो मुझे पता ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन कौन सा आयन अवेलेबल है, Cl- और OH- है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, तो इसके आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, H+ अवेलेबल है, Na+ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में जब उसमें कुछ ना दिया जाए तो हम ऑब्वियस बात है उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको इसके रिएक्शन लिखने से पहले एक बात जान लो, ठीक है, इसमें कुछ आपको एक डाटा याद रखना पड़ेगा। वो डाटा क्या है कि जैसे आपको पता है 2Cl- किसमें कन्वर्ट होता है, Cl2 में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, इसका अपना एक एनोड का वैल्यू होगा। और अगर मैं वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होता है, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, वाटर कन्वर्ट है जिसकी एनोड की वैल्यू क्या होती है, एनोड की वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जैक्टली मुझे नहीं आता, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो वाटर से तो कम होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वाटर से कम होता है। तो एक्चुअली इसका रीजन लिख देता हूं मैं यहां पे पहले, ठीक है। रीजन ये होगा कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले मैं लिख देता हूं, एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर, ऑफ वाटर इज, आइए पहले मैं लिखता हूं फिर आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा। वाटर इज हायर देन दैट ऑफ Cl माइनस, देन दैट ऑफ Cl माइनस, बट फॉर ऑक्सीडेशन, बट फॉर ऑक्सीडेशन, बट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड विच इज नोन एज ओवर वोल्टेज, विच इज नोन एज ओवर, विच इज नोन एज ओवर वोल्टेज, इट्स ऑक्सीडेशन बिकम्स डिफिकल्ट, इट्स ऑक्सीडेशन बिकम difficult and Cl minus, Cl minus gets preference, समझो बात को। Actually special case भी है, और आपको एक point इसमें याद रखना, देखो concentrated NaCl में क्या होता था, concentrated NaCl में आपको याद होगा list जो मैंने दिया था, Li, Na, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Cl minus, OH minus, NO3 minus, SO4 2 minus और F minus, ये मैंने लिस्ट आपको दिया था। इस चीज में देखो Cl minus ऊपर में, इसका मतलब Cl minus का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली अगर इसका अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो नो डाउट OH minus को ऊपर होना चाहिए था, Cl minus को नीचे होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ Cl minus, बट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्चुअली वाटर का इजिली ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो सकता, ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा, कभी भी प्योर वाटर का आप ऑक्सीडेशन इतना आसानी से नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में मैंने देखो Cl- को पहले ही ऊपर लिख दिया था,
न्यूमेरिकली डाटा वाइज देखोगे तो नो डाउट ये गलत है, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वोल्टेज और रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से सीएल माइनस को पहले प्रेफरेंस मिल जाता है, ओएच माइनस को नहीं मिल पाता। कंसंट्रेटेड एनएससीएल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी कंसंट्रेट, इसलिए वहां पे सीएल माइनस पहले ऑक्सीडाइज हो गया था, सीएल2 में कन्वर्ट हो गया था। डायल्यूट एनएससीएल में क्या होगा, देखो डायल्यूट एनएससीएल का मतलब हो गया कि सीएल माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, और जब सीएल माइनस का कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुका है तो आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन के कंसंट्रेशन से भी घटता। आपको याद है मैंने आपको पहले बता दिया जब मैंने हाफ सेल के बताया था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और आयन, उसके आयन का कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन, तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। उसी तरह देखो क्योंकि मैंने चर्चा की है डायल्यूट NaCl, तो Cl- का ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, तो Cl- का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और कम हो जाता है, जिसकी वजह से OH- को इस जगह पे क्या मिल जाता है, प्रेफरेंस मिल जाता है। बस फर्क इतना ही है, डायल्यूट NaCl में Cl- को प्रेफर, सॉरी कंसंट्रेटेड NaCl में रीजन क्या होता है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaCl में वाटर का कंसंट्रेशन, सॉरी वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से सीएल माइनस को प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन डायल्यूट एनएससीएल में क्या होता है, सीएल माइनस का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो किसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ओएच माइनस को उस जगह पे प्रेफरेंस मिल जाता है। इस केस को याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ओएच माइनस इस जगह पे क्या करता है, ये हो जाता है हाफ ओ टू प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस प्लस H2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके H2 गैस आपको बना देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल इसका रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा OH minus plus 2H plus, तो क्या हो जाएगा, twice of H2O हो जाएगा, ये किस में convert होगा, half of O2 में plus plus half of O2, sorry, अच्छा फिर ये reaction balance करने के लिए कहा, तो O2 half हटा दो यहाँ से, ठीक है, half O2 हट गया, half of O2 हो गया, twice of H2 gas हो गया, ठीक है। तो ये anodic product हुआ और ये कैथोडिक प्रोडक्ट हुआ, तो इन बातों को याद रखिएगा, समझ में। तो आप याद रखें डायल्यूट NaCl में OH- को प्रेफरेंस मिलता है, क्यों, क्योंकि Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत घट जाता है, जिसकी वजह से प्रेफरेंस किसको मिल जाता है, OH- को प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, और ऐसे आप समझ लो क्योंकि OH- का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे मत याद रखो, बेटर आप ऐसे ही याद रखो, क्योंकि Cl- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में घट जाता है, ठीक है, जिस वजह से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में घट जाएगा, इस वजह से क्या होता है, OH- माइनस क्या होता है, प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। इस वजह से किसको मिलेगा, OH- माइनस को प्रेफरेंस मिलेगा डायल्यूट NaCl में, तो एक स्पेशल क्वेश्चन ये याद भी रखना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें क्या क्या पॉइंट हमें सीखने को मिला, तो क्या पीएच में कोई चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे OH- माइनस भी हो रहा है, H+ भी हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पीएच, there is no change in pH, ठीक है। next है, क्या NaCl के concentration में change आएगा, नहीं, क्योंकि देखो anode पे तो OH- oxidation हो रहा है, cathode पे H+ का reduction हो, इसका मतलब NaCl का तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब no change in concentration of NaCl, no change in concentration of NaCl, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, अब एक्चुअली ये प्रोसेस क्या, आपने लिया डायल्यूट NaCl का, लेकिन साला ऑक्सीडेशन हो रहा है, OH- माइनस का रिडक्शन हो रहा है H+ का, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और कुछ नहीं, देखो वाटर का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। और कितना चार्ज रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस वाटर, तो ऑब्वियस बात है आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि 1 मोल के लिए कम से कम कितना फराडे रिक्वायर्ड है, 2 फराडे रिक्वायरमेंट है, कितना फराडे रिक्वायरमेंट है,
फराडे, दो और दो ठीक है, तो टू फराडे रिक्वायरमेंट हो जाएगा चार्ज। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो टू फराडे रिक्वायरमेंट हो जाएगा चार्ज का, ठीक है। और आपने जो मैंने रिएक्शन किया था देखो, 4H+, 4H+, ठीक है ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्चुअली, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, वो मोल के लिए चार फराडे, तो एक हाँ दो मोल के लिए चार फराडे यूज होगा ना, दो इलेक्ट हाँ दो मोल के लिए चार फराडे, तो एक मोल के लिए दो फराडे यूज होगा, नहीं नहीं सॉरी माय मिस्टेक, एक मोल के एक फराडे से देखो, वन फराडे इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। आखिर कितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, तो दो मोल वाटर के लिए कितना हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक मोल वाटर के लिए एक फराडे यूज होगा, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ठीक है, H2 गैस इज ऑब्टेंड एट कैथोड एंड O2 गैस ऑब्टेंड एट एनोड, ठीक है। H2 कैथोड में मिलेगा, O2 कहाँ मिलेगा आपको, एनोड में मिलेगा। और एक्चुअली आप देख रहे हो 1:2 का रेशियो, अगर इसका एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका दो मोल हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपसे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि मान लो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के 8 लीटर ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा था, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका आधा हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के दुगना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, याद रखना इन चीजों को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवा रहे हैं आप वो, लेकिन NaCl जाने की NaCl पे क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ पे हम डायरेक्ट H2O क्यों नहीं ले सकते, तो याद रखना प्योर H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा जरूरत होती है, इस वजह से वाटर का मैंने पहले बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज वेरी डिफिकल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज वेरी डिफिकल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज वेरी डिफिकल्ट, सो आयंस ऑफ NaCl, सो आयंस ऑफ NaCl, सो आयंस ऑफ NaCl विल हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ करंट। याद रखना कभी प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जितना नमक आप देखते होंगे आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि अर्थिंग जहां पे होती है ना, वहां पे नमक पानी का सॉल्यूशन ज्यादा डाला जाता है ताकि वोल्टेज अच्छे से आए, उसके की अपना एक रीजन होता है, क्योंकि नमक पानी वाला जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, ठीक है। चलो तो ये हमारे दो केस हो गया, कंसंट्रेटेड NaCl और डायल्यूट NaCl, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो केस है मेरा, ठीक है, ये जो है मेरा NaCl using Hg electrode, ठीक है। ये एक्चुअली JEE मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये बात को याद रखना। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ मैंने आपको पहले बोला, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आपकी चीजें बहुत आसान हो जाए, और ज्यादा कुछ आपको याद रखना, पहले तीन रूल आपको याद रखना है कि पहले एनोड का ऑक्सीडेशन एनालाइज करो, नहीं या तो कुछ ना दिया जाए तब तक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मानो, दूसरा और जब तक कुछ ना दिया जाता तब कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट को मानो, एक्वस में भी दो केस बता रहे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो कुछ ना दिया जाए तो कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, एक्वस प्लस कंसंट्रेटेड, दूसरा Hg इलेक्ट्रोड यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं दिया तो मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करता था, और क्या रूल बताया था मैंने, हमेशा एनोड के रिएक्शन का एनालाइज करो, और लास्ट मैंने क्या दिया था, अगर एनोड अगर मेटल है तो उस मेटल का पहला ऑक्सीडेशन होगा एज कम्पेयर टू अदर, वो पॉइंट मैं आगे भी आपको समझा दूंगा, बस इसके बाद वही पॉइंट हम आने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा अगेन, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो आपके पास क्या क्या होगा, सीएल माइनस होगा, ओएच माइनस होगा, कैथोड पे आपको क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, एनए प्लस होगा, ठीक है, और एच प्लस होगा, यही केसेस बनता है इसमें भी। अब यहाँ पे तो क्या होगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेटेड में सीएल माइनस को प्रेफरेंस मिलता है, तो ट्वाइस ऑफ सीएल माइनस सीएल टू में कन्वर्ट होता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब देखो कायदे के हिसाब से, रूल के अकॉर्डिंग, तो देखो मुझे किसका होना चाहिए था, एच प्लस का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोड आपका यहाँ मर्क्यूरी है, क्या है इलेक्ट्रोड आपका, मर्क्यूरी है, और आपको पता होगा शायद हेनरीज लॉ से मैंने आपको बताया था कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है एक्वस सॉल्वेंट में बहुत कम होती है, राइट, आप जितना सॉल्यूट पार्टिकल को जितने अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से आप गैस को डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से, इसी वजह से अगर मर्क्यूरी एज अ इलेक्ट्रोड है तो हमेशा आपको प्रेफरेंस मेटल को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा आपको, मेटल को, कभी भी आप ऐसा कोई भी आयन यूज नहीं करोगे यहाँ पे जिससे, जैसे रिडक्शन की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि गैस कभी भी मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत उसकी डिसॉल्विंग पावर बहुत कम होती है, इस वजह से हर मेटल को प्रेफरेंस मिलता है मर्क्यूरी, अगर इलेक्ट्रोड आप मर्क्यूरी यूज कर रहे हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे किसका होगा, Na+, twice of Na+, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, twice of सोडियम सॉलिड बना देगा, और यही सोडियम सॉलिड क्या होता है, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम अमलगम, ठीक है। अब इसे और अपने आप में एक रीजन भी है कि आखिर अमलगम का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बात ध्यान से समझना कि सपोज करो कि जैसे आपने, मैंने बोला कि जिंक जो होता है बहुत अच्छा रिएक्टिव मेटल होता है, तो उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको मर्करी में डिसॉल्व करके हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अमलगम होता क्या है, अमलगम एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मेटल डिसॉल्व रहता है, क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट तो मर्क्यूरी होता है और सॉल्यूट क्या होता है, मेटल होता है, जो जिस मेटल के नाम पर अमलगम लग गया मतलब वो एज ए सॉल्यूट काम करेगा और मर्क्यूरी एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, जैसे मैंने जिंक अमलगम बोला, मर्क्यूरी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूट हो जाएगा, जैसे कैडमियम अमलगम बोला तो कैडमियम आपके लिए सॉल्यूट हो गया, मर्क्यूरी आपके लिए क्या हो चुका है, एज इट इज सॉल्वेंट हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार दो बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मर्करी, ऑफ सोडियम इन, ऑफ सोडियम इन मर्क्यूरी एंड फॉर्मेशन ऑफ Na अमलगम, फॉर्मेशन ऑफ Na अमलगम Na plus gets chance to reduce in preference of H plus, in preference of H plus, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं, और आप समझदार एक बार एक दो बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट है केस, तीसरा केस हो गया, चौथा केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। देखो अब मैंने बताया ना, ये चौथा केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड उसने बता दिया भैया प्लेटिनम यूज नहीं करना है आपको, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करना, मतलब कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है।
यहाँ पे अगेन सिल्वर क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा क्या करिए, हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये देखना कौन कौन सा आयन है, एन ए प्लस है, सी एल माइनस है, एच प्लस है, ओ एच माइनस है, ठीक है। तो एनोड पे तो आपके पास कौन कौन सा प्रेफरेंस है, सी एल माइनस और ओ एच माइनस है। कैथोड पे क्या क्या आपके पास प्रेफरेंस है, एन ए प्लस और एच प्लस है। देखो इसलिए मैंने आपको एक रूल बताया था, ठीक है, रूल इसलिए मैंने जो तीसरा रूल दिया था कि अगर इलेक्ट्रोड किसी मेटल का हो, अगर इलेक्ट्रोड क्या हो, कोई मेटल हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात नहीं करा, अगर बोलना भाई मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा, भाई मर्जी है आपकी, भाई इंडिपेंडेंट कंट्री में आप कुछ भी कर सकते हो, बोलो सर मेरी मर्जी, मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही नहीं यूज करना चाहता, मैं यूज करना चाहता सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्यों नहीं यूज कर सकते, थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएंगे। वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, अब तक आपने जो भी चीजें देखा था वो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किया था, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड पे दे, हो सकता है कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड दे दे, एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि ये तो एनोड के जैसे एक्ट करेगा, ये कैथोड के जैसे एक्ट करेगा। तो तीसरा रूल मैंने आपको बता दिया, अगर यदि इलेक्ट्रोड कोई मेटल है तो वो भी एनोड पे एज अ यूज कर रहा आप, तो वो मेटल का पहला ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब अब आपके पास ना Cl- को प्रेफरेंस मिलेगा ना OH- को, किसको प्रेफरेंस मिलेगा, Ag को प्रेफरेंस मिलेगा। तो Ag कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ और 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। उस केसेस में क्या होता था, यहाँ पे रोड को जो चार्ज मिलता था वो आयन की वजह से चार्ज मिलता था, याद है, कोई ना कोई जैसे या तो Cl- यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था। बट अब यहाँ पे मेटल ही खुद अपने आप को इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटल यहाँ पे क्या करेगा, एज सिल्वर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे Ag+ में। अब आपके पास Na+ है, H+ और Ag+ भी है। तो अगर आपको लिस्ट याद है तो Li, Na, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Cl- OH- SO4 2- NO3- और F-, सारी ऊपर नीचे होगा जो भी है। तो देखो जितने आप ऐसे भी ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है, जितने भी एनायन है, क्योंकि एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, तो सारे के सारे एनायन क्या है, नीचे है, और सारे के सारे मेटल कहाँ पे है, देखो ऊपर में है, मेटल कहाँ पे, ऊपर में। तो ऑब्वियस बात है कोई भी को, इनफैक्ट आप सिल्वर के अलावा कोई भी मेटल एज ए इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो पहले प्रेफरेंस आपको किस किसको मिलेगा, मेटल को मिलेगा। इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट रूल ही बना दिया कि अगर मेटल को इलेक्ट्रोड यूज होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन उसको कर दो, बाकी सब एनायन क्या हो जाएगा, बाहर में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे, सिर्फ मेटल से। तो मेटल हो गया, मेटल कन्वर्ट हो गया Ag+ में। अब Ag+ आपके पास तीन प्रेफरेंस है, Na+ से, Ag+ और H+ है। इसलिए मैंने एक और रूल इसलिए बनाया था कि पहले कैथोड के रिएक्शन को कभी मत देखो, हमेशा पहले एनोड के रिएक्शन को करो, उसके बाद एनालाइज करो कैथोड को, वो ऑटोमेटिकली फिर अगर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। यदि अगर आपने कैथोड का रिएक्शन किया होता तो क्या होता था कि भैया यहाँ पे चीजें गड़बड़ा जाती, आप यहाँ पे NH+ को देते तो हाइड्रोजन आपको एज अ कैथोडिक प्रोडक्ट मिलता जो गलत होता था। इसलिए मैंने एनोड के ऑक्सीडेशन के बाद किसको दिया प्रेफरेंस, कैथोड को, पहले हमेशा एनोड को लिखो, ठीक है। अब Ag+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा Ag सॉलिड ऑफ एनोड कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड ऑफ कैथोड। इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर सम टाइम, After some time, क्योंकि ये मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे गलेगा, ये मेटल क्या होगा, धीरे धीरे गलेगा, ठीक है। तो गलेगा ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और यहां पे आपको एनोड मड मिलेगा, क्या मिलेगा, एनोड मड, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, जो मेटल निकला ना वो मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ये मेटल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है इस वो हमेशा इम्प्योर मेटल आपको कहाँ रखा जाता है, एनोड में रखा जाता है, ठीक है। और जो प्योर मेटल होता है वो कहाँ रखा जाता है, कैथोड में। इसलिए क्या होता है ना, जो जो हम जो ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस हमेशा
जो प्रीशियस मेटल होता है लाइक सिल्वर गोल्ड, उनको रिफाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगी, ठीक है, और प्योर मेटल का पार्ट जो होगा वो एनोड कैथोड में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो मिलिंग देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनमेंट ऑफ एनी मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सपेंसिव मेटल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एक्सपेंसिव मेटल के लिए, ठीक है, लाइक सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इन सब के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर मैं इसके जगह पे, यहाँ पे तो सिल्वर रखू और इसी केस में कैथोड की जगह मैंने कॉपर ले लिया, तो इसको हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। अगर दोनों मेटल सेम है, अगर एनोड और कैथोड पे मेटल सेम है, दोनों मेटल, वो मेटल कोई भी ले सकता, कॉपर भी ले सकता, किसी कोई भी ले सकता, अगर दोनों मेटल सेम है तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा, अगर एक मेटल डिफरेंट और एक मेटल यहाँ पे दूसरा है तो उसको हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं। मतलब एक मेटल को हम दूसरे मेटल पे क्या परत चढ़ा रहे हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल व्हाट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे एक, अब नेक्स्ट केस आ रहा है ई, ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनएसएल यूजिंग एजी इलेक्ट्रो। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सीएस। चलो मैंने एक ऐसे केस है नहीं, बट बना के दे दिया मैंने आपको, सेम डायग्राम है सब कुछ। जब मैंने कुछ नहीं दिया एक्वस, जब कुछ ना दिया तो कंसंट्रेटेड, कुछ ना दिया तो प्लैटिनम इलेक्ट्रो, दो बातें तो क्लियर हो गई। इसका मतलब एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपके पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कोई मेटल नहीं तो मेटल का ऑक्सीडेशन होने का कोई चांस नहीं, मतलब आपके पास या तो SO4 माइनस है और या तो OH माइनस है। ठीक है, कैथोड पे आपके पास क्या होगा, कैथोड पे आपके पास U2 प्लस है और H+ है, H+ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का ऑक्सीडेशन तो किसका होगा, OH माइनस का। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा प्लस H2O। ठीक है, ट्वाइस ऑफ OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए OH माइनस O2 में जाएगा, H2O क्यों जोड़ा, ये हमने रेडॉक्स में सीखा था बैलेंस करने वाला। ठीक है, यहाँ पे किसको प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे हमेशा मेटल को प्रेफरेंस मिलेगा, और CO2 प्लस देख लो आप हाइड्रोजन के नीचे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना AgNO3 वाला, तो यहाँ पे बेटा OH माइनस ही होगा, बट कैथोड में किसका रिडक्शन होगा, देखो H प्लस के नीचे कौन है, सिल्वर है, तो AgNO3 में सिल्वर को पहले प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू H प्लस, तो उसी का एक जुड़वा भाई मैंने CuSO4 को कर दिया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट केस, ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट केस जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, लिख कर भी देता हूं मैं यहाँ पे CDE है ना, तो ये F हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आया फिर से देख ले, कैथोड पे रिडक्शन, कुछ ना दिया तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और कुछ ना दिया तो कंसंट्रेटेड। इसका मतलब यहाँ पे या तो NO3 माइनस को प्रेफरेंस मिलेगा, या तो OH माइनस को, या तो Ag प्लस को मिलेगा, या तो H प्लस। इसका मतलब यहाँ पे OH माइनस को प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे Ag प्लस को मिलेगा, तो OH माइनस किस में कन्वर्ट होगा, आप O2 में प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, नहीं H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Ag 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल Ag कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एजी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आया तक, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
ZnSO4 aqueous, electrolysis of ZnSO4 aqueous, electrolysis of ZnSO4 aqueous, 1 minute. ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब SO4 2 माइनस होगा और OH माइनस होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पे Zn+2 को मिलेगा या तो H+ को मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है SO4 2 OH माइनस ऊपर में, इसका मतलब OH माइनस किस में गेट कन्वर्ट होगा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अगेन यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चला जाएगा, Zn सॉलिड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैं कोई भी एक्वल किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस दो, तो आई थिंक आप यू कैन इजीली सॉल्व दैट एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद भी रखना, इनफैक्ट जेई में ये आ चुका है। तो नेक्स्ट है GH वाला जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CH3COOH as electrolysis of aqueous CH3COOH नहीं Na, ठीक है, सोडियम एसिटेट का इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलता है, आपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये आपने मेरे हिसाब से पढ़ा भी होगा, उम्मीद करता हूँ अपना ऑर्गेनिक में आप पढ़ा, इनफैक्ट पढ़ा तो होगा ही, अब उम्मीद ये करता हूँ कि आप याद रखते होंगे या नहीं, ये उम्मीद रखता हूँ, पढ़ाया तो सर ने होगा ही, मुझे पढ़ाया तो होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद कितना अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ जाएगा। एनोड पे क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा भैया, रिडक्शन होगा। तो आप देखो, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, वो पार्ट आपने ऑर्गेनिक में खत्म कर रखा, बस मैं डायरेक्टली पॉइंट पा रहा हूं, ठीक है, आपके पास एक तो CH3COOH- और एक OH- है, कैथोड के पास आपके पास क्या है, एक Na+ और एक H+ है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है ना, CH3COOH किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां प्रेफरेंस CH3COOH को मिल जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल में, ट्वाइस ऑफ CH3COOH इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, कि ट्वाइस ऑफ ये जो होगा, ट्वाइस ऑफ CH3COOH ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ CH3 डॉट में, ट्वाइस ऑफ CH3 डॉट में प्लस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ CO2, ठीक है। कैथोड में क्या होगा भैया, हाँ, अब ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ CH3 डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो H+ ट्वाइस ऑफ H+, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा था कि इनमें कितने नंबर ऑफ गैसेस फॉर्म होते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो देखो 1 2 3 3 गैसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और लास्ट हमारा केस है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वो, और हालांकि खैर अभी तक तो एक दो बार ही क्वेश्चन आए हैं जेई में इसके ऊपर, और बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको मैंने बोला ना जो चीजें याद रखने की, अगर आपने याद रख ली तो काम खत्म वहीं पे, बहुत ज्यादा आपको फिर मेहनत करने की या कहीं मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उन चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट है आई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 बनाना है बट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसमें करना क्या है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सुनिए बात, एक मिनट होल्ड करिए।
ठीक है। डायलेट एस्ट्रेस ऑफ फॉर्म में क्या होता है भैया, डायलेट एस्ट्रेस ऑफ फॉर्म में ये केस आपको याद रखने वाला है, ठीक है। पहले बात तो आप याद रखना, इसको एकदम याद रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है। H2SO4 किस में आपको लेना है, H2SO4 लेना है H+ और HSO4- में, और एक H2O को लेना है H+ और OH-। अब इसमें दो केस होता है, इसमें केस क्या होता है, दो केसेस हो, एक होता है लो चार्ज डेंसिटी कंडीशन होती है। जब भी आपको डायल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होगा तो कंडीशन देगा भाई यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी या हाई चार्ज डेंसिटी। जब लो चार्ज डेंसिटी होगा तो अगेन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे तो क्या होगा आपका रिडक्शन। तो एनोड पे आपके पास कौन कौन सा चॉइसेस है, HSO4- है और OH- है, और कैथोड पे आपके पास कौन कौन सा है, H+ है। तो याद रखें डाइल्यूट H2SO4 में कैथोड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट्स नथिंग बट H2। तो यहाँ पे क्या होगा, लो चार्ज डेंसिटी में याद रखना OH- को प्रेफरेंस मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ ऑफ O2 गैस प्लस H2O गैस प्लस दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ट्वाइस ऑफ H+ क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी की बात करो तो अगेन एनोड पे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब आपके पास HSO4- है और OH- है, इसका मतलब हाई चार्ज डेंसिटी में HSO4- को पहले प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू OH-, और यहाँ पे तो अगेन H+ है, तो HSO4- किस में कन्वर्ट हो जाता है, HSO4- कन्वर्ट हो जाता है H2S2O8, ठीक है। H2S2O8 प्लस दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H+ क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या थी, अगेन आपको पता है कि सल्फर तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसमें याद रखना छह ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेरे ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ -2 में, और दो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं -1 स्टेट में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जरूरी नहीं सिर्फ HSO4- क्योंकि डायल्यूट H2SO4 है तो HSO4- का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम होगा, तो बाद ही साथ ही साथ OH- का भी क्या हो जाता है कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखिएगा ये स्पेशल केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत कम है, डाइल्यूट है ऑलरेडी कम है, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा किसको प्रेफरेंस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली OH- को प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो OH- किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस हाफ O2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से आप समझ जाइए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फिर से अगेन एक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है कि H2S2O8 वाटर के साथ जुड़ के क्या कर देता है H2SO4 बना देता है प्लस H2SO5 बना देता है, ठीक है। और यही H2SO5 H2O के साथ रिएक्ट करके अगेन क्या बना लेता है H2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो यही जेई में पूछा था कि आखिर H2O2 का फॉर्मेशन होता किस तरीके से, तो कुछ नहीं होता है क्योंकि H2O2 ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वो जो कम अमाउंट होता है अगेन वो वाटर के साथ क्या हो जाता है हाइड्रोलिसिस हो जाता है और H2SO4 H2SO5 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो H2SO5 अगेन वाटर के साथ जुड़ के वो क्या बना देता है H2SO4 प्लस H2O2, ठीक है। दिस वॉज योर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट वन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट वन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है, जिसको हम फैराडे लॉ भी बोलते हैं। यहां से हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट खत्म है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की। क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली यही आपका फराडे लॉ होता है। ठीक है, ये तभी समझ में आएगा जब आपको पहला पार्ट समझ में आएगा। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलिसिस दिया जाएगा और आपसे पूछेगा भैया कैथोड में प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है और कितना बन रहा है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा बन कौन रहा है और कितना बन रहा है, वो हम फराडे के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो इससे हम बोलते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलो बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें पहला जो आता है फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity of charge passed from battery। ठीक है भैया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने किसी बैटरी के साथ जोड़ा, तो ऑब्वियस से बात है तो होगा क्या कि भाई एनोड से कुछ निकलेगा और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो डिपॉजिट हो रहा है वो आखिर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। भैया जो एनोड से निकला वो कितना निकलेगा और ये कैथोड पे जो डिपॉजिट होगा वो कितना डिपॉजिट होगा, तो वही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास फ्रॉम द बैटरी। भैया जितना चार्ज जितने समय तक के लिए आप दोगे या जितना करंट पास करोगे जितने समय तक के लिए, उतना ही अमाउंट का वो सब्सटेंस लिबरेट होगा, उतना ही अमाउंट का सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब जो होगा कि यहाँ पे जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, चार्ज कितना पास कर रहे हो, और या डब्ल्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू क्यू, या डब्ल्यू बराबर क्या हो सकता है, जेड आई टी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जेड आई टी। तो Z को हम क्या लिख सकते हैं, Z बराबर हो सकता है W by IT। इससे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज पास थ्रू, व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू वन
जेड बराबर क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो वो मास है या मास डिपॉजिट वो वहां या मास लिबरेटेड है। कब मास लिबरेट होके बराबर होता है, जब एक एम्पियर को मैं एक सेकंड के लिए पास करता हूँ, जो मास डिपॉजिट मुझे मिलता है या मास लिबरेटेड मिलता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, बस आपको ये निकालना रहता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू बराबर ई बाई 96500 आई टी, ई आई टी बाई 96500, ई मेरे लिए क्या हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हो गया। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जेड को मैं जेड को ये, आप जेड बराबर क्या हो सकता है, जेड बराबर ई बाय 96500, ठीक है। ई मतलब इक्विवेलेंट वेट कौन होता है, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, फर्स्ट लॉ। अभी तो मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपको पढ़ रहा हूँ, कल आपको मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम फिलहाल कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सेकंड जो होगा मेरा फराडे सेकंड लॉ, फराडे सेकंड लॉ, ठीक है। अब फराडे सेकंड लॉ में है कुछ नहीं, समझो बात को, इसको मैं डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा, डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, मान लो मैं नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं, सबको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सबको मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फाइनली इनको मैंने सबको एक साथ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सबको एक साथ क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बहुत सारे मैं बोला इनफाइनाइट आपके पास होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सबको आपने एक एक ही कांस्टेंट सोर्स के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या होगा, सब में सेम करंट पास होगा सब में। ये तो फिर ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा और आप जानते भी होंगे, ऑब्वियस बात, हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज में हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे क्या है, सीरीज में। इसका मतलब सब में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो डब्ल्यू बाई ई का रेशियो, समझो बात को, यहां से करंट और टाइम सब कॉन्स्टेंट है, तो डब्ल्यू बाई जेड सबका, हर इलेक्ट्रोलाइट सेल का डब्ल्यू बाई जेड का, जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब W by Z यहाँ पे लिखो, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या रहेगा, सबके लिए बराबर होगा। तो मतलब इसका भी W1 by Z1, इसका W2 by Z2, इसका W3 by Z3, इसका W4 by Z4, सब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज सेम टाइम के लिए पास हो रहा है, या सेम करंट सेम टाइम के लिए पास हो रहा है, इसका मतलब W by Z का रेशियो दोनों के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही मान लो, यही क्या है मेरा सेकंड लॉ। तो मेरे किताब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, according to Faraday's second law, according to the Faraday's second law of electrolysis, second law of electrolysis, if same amount of current, different
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। डोंट वरी कल इनके ऊपर मैं बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट आज हम पहले पूरा क्वांटिटेटिव का थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली proportional to equivalent weight of substance, equivalent weight of substance, equivalent weight of is directly proportional to equivalent weight of substance, मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, directly proportional to the E, ठीक है, क्योंकि ये जो constant है ये क्या हो जाएगा E by 965600, देखो ये constant, ये constant, ये constant, मतलब जो जो भी मास होगा किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब W बाय E का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखना। इसका मतलब ये होगा W1 बाय E1 इक्वल टू W2 बाय E2 डॉट 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 डॉट, बस यही करना आपको, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, फराडे सेकंड लॉ, क्या है ये आपका फराडे सेकंड लॉ, ठीक है। चलो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, इसमें कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर, ये लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या करता है, मान लो कोई इलेक्ट्रोड है भैया, मान लो उसमें कोई मेटल डिपॉजिट हो गया, ठीक है, उसमें मेटल क्या कर दिया, डिपॉजिट हो गया है, तो उसमें पूछ लेता भाई कितने थिकनेस तक का मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो लेट्स ए मेरा इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस मेटल का, इस मेटल का ए मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, इस मेटल का डी डेंसिटी और इसका जो थिकनेस है वो है मेरा टी है, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम बराबर क्या होगा ए इंटू टी, ये एरिया इंटू टी मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और मैं मास को किसके बराबर कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर, इसका मतलब मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी मेरा एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, डी इंटू ए इंटू टी, इसका मतलब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई आई टी बाय 965600 इज इक्वल टू डी ए टी, दैट मतलब इक्वल टू ई आई टी बाय 965600 डी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ए मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और टी मतलब थिकनेस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या होता है आपसे पूछे जाते हैं, बाकी डोंट वरी, ये तो हमारा सिर्फ आप थ्योरेटिकल पार्ट का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का, बाकी कल हम बहुत अच्छे लेवल के भी न्यूमेरिकल करेंगे, ट्रिक क्वेश्चन भी करेंगे कल, और कल मेरा ये पार्ट मुझे लगता है 20 मिनट या 25 मिनट का पूरा टॉपिक होगा ये कल, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल पार्ट तो आज हमारा खत्म हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पार्ट थर्ड में चालू करेंगे, तीन लेक्चर और हार्डली आपको बच्चों की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसके बाद हम सॉलिड स्टेट में जाएंगे। इसमें रिक्वेस्ट है एवरीवन कि ये नरेंद्र से आप बनाना चालू करें, जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करें उनको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।